मरियम नवाज ने 6 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाजत मांग ली। नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में वजारत दाखिला, FIA, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया। 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समाअत करेगा। नवाज शरीफ लंदन में जेरे इलाज। मरियम नवाज ने 6 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाजत मांग ली। साबिक वजीर आजम की साहबजादी ने नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समाअत करेगा। मरियम नवाज ने अमजद परवेज एडवोकेट के जरिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें वजारत दाखिला, FIA, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के बावजूद बीमार वालिदा को छोड़कर बैरून मुल्क से वालिद के साथ वापस आई। मौकफ सुने बगैर नाम ECL में शामिल किया गया। ECL में नाम शामिल करने का मेमोरेंडम गैर कानूनी और आईन की खिलाफ वर्जी है। मरियम की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि नाम ECL में शामिल करने का मेमोरेंडम आला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। अदालतों में 1.5 साल तक मुसलसल पेश होती रही हूँ। नाम ECL में शामिल करने का इकदाम अजूबा है। अदालत से इस्तदा है कि नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए।